हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आपने अगर अपना जॉब कार्ड मनरेगा जॉब कार्ड आवेदन कर दिए हैं और उसको चेक करना चाहते हैं कि अभी तक बना है या नहीं बना है, तो इसी के रिगार्डिंग हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि आप ऑनलाइन कैसे अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं कि आपका जो जॉब कार्ड है वो बना है कि नहीं बना है। अगर बन गया है तो आपको मैं डाउनलोड करने का तरीका भी इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। 2020 यानी 4/1/2020 से 2020 में जितने भी जॉब कार्ड बने होंगे पूरा डिटेल्स यानी अब तक जितने भी डॉक्यूमेंट डिटेल्स में बने होंगे जॉब कार्ड पूरा डिटेल्स हम इस वीडियो में देने वाले हैं। तो चलिए देर ना करते वीडियो को शुरू करते हैं। तो हे गाइस, आई एम समीर एंड मोस्ट वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल डिजिटल पावर। दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ बेल आइकन दबा दे ताकि कोई भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन या न्यूज आपसे मिस ना हो। दोस्तों आपको लेके चलते हैं हम अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे, वहां पे आपको बताएंगे कि आप कैसे अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं, वो भी अपने घर बैठे अपने मोबाइल फोन से अपने लैपटॉप पे। तो हम आ चुके हैं अपने मोबाइल स्क्रीन पे और सिंपल आपको यहाँ सर्च बार में आपको टाइप कर देना है। क्या टाइप करना है फ्रेंड्स, देखिएगा नरेगा नरेगा 2 सिंपल आपको टाइप कर देना है। टाइप करने के बाद सिंपल आपको सर्च आइकन पे क्लिक कर देना है। सर्च आइकन पे जैसे ही क्लिक कीजिएगा आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन होगा। सिंपल आपको जो फर्स्ट में लिंक ओपन हुआ है सिंपल उसी वाले लिंक पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक जैसे ही क्लिक कीजिएगा आप जो इस ऑफिशियल वेबसाइट के पेज पे आप पहुंच जाइएगा। सिंपल आपको यहां से अपना स्टेट आपको सिलेक्ट कर लेना है जैसा हम कर रहे हैं। मैं बिहार से हूं तो मैं यहां बिहार सिलेक्ट कर दिया हूं। सिंपल उसके बाद एक पेज ओपन होगा जहां से आपको क्या करना है फ्रेंड्स, देखिएगा फ्रेंड यहां पे आपको यहां से अपना डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना है। जिस डिस्ट्रिक्ट से आप बिलोंग करते हैं उस डिस्ट्रिक्ट को आपको सिलेक्ट कर लेना है। तो अपना डिस्ट्रिक्ट यहाँ सेलेक्ट कीजिए। सिंपल आपको क्या करना है फ्रेंड, मैं यहाँ पश्चिम चंपारण से हूँ तो मैं अपना पश्चिम चंपारण यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर ले रहा हूँ। पश्चिम चंपारण सेलेक्ट करने के बाद सिंपल आपको इसके बाद कुछ नहीं, आपको अपना ब्लॉक मांगेगा। आपको अपना ब्लॉक डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के बाद सिंपल आपको क्या करना है फ्रेंड्स, देख लीजिए यहाँ पे, यहाँ से आपको अपना ब्लॉक सेलेक्ट करना है। मैं मैटर ब्लॉक से बिलोंग हूँ करता हूँ तो सिंपल मैं मैटर पर क्लिक करूँगा। मैटर पर क्लिक करने के बाद इसके बाद आपको अपना ग्राम पंचायत सेलेक्ट करना होगा। जैसे ही फ्रेंड्स आप अपना ब्लॉक सेलेक्ट कीजिएगा उसके बाद आपको एक नेक्स्ट पेज ओपन होगा जहां से आपको बोलेगा कि आप अपना पंचायत, देखिए फ्रेंड्स यहां पे पंचायत, अपना पंचायत सेलेक्ट कर ले। तो मैं यहां से अपना पंचायत में यहां सेलेक्ट कर ले रहा हूं। पंचायत सेलेक्ट करने के बाद आपके सामने एक नेक्स्ट पेज ओपन होगा जो कुछ इस प्रकार ओपन होगा। सिंपल आपको क्या कीजिएगा फ्रेंड्स, देख लीजिएगा यहाँ पे आपको स्टेट डिस्ट्रिक्ट उसके बाद आपका ब्लॉक उसके बाद आपका पंचायत आ जाएगा। सिंपल आपको अब क्या करना है फ्रेंड्स, नीचे स्क्रॉल करना है। अगर आप आवेदन कर चुके हैं और देखना चाहते हैं अपना कि हमारा जो जॉब कार्ड है बना है कि नहीं, सिंपल आपको क्या करना होगा फ्रेंड्स, यहाँ देखिएगा फ्रेंड्स 6 नंबर ऑप्शन मिलेगा, देखिएगा रजिस्ट्रेशन अप्लीकेशन रजिस्टर। सिंपल आपको 6 नंबर ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने एक नेक्स्ट पेज ओपन होगा जिसमें कुछ समय लग सकता है फ्रेंड्स, जो इस प्रकार ओपन होगा। देखिएगा यहाँ आपका पूरा डिटेल्स शो होने लगेगा। इसमें जितने भी आपके जो ग्राम पंचायत में जॉब कार्ड बने होंगे एप्लीकेशन दिए गए होंगे पूरा डिटेल्स आपको इसमें देखने को मिल सकते हैं। यहाँ से आप क्या कर सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर देख लीजिएगा फ्रेंड्स आपको जो गाँव का नाम है देख लीजिए नगरदही यहाँ दिखा रहा है। इसके बाद इस ग्राम पंचायत में यानी इनारवा पंचायत में आपके पंचायत में जितने भी गाँव होंगे पूरे गांव इस तरह आएंगे। देखिए नगर दही है तो इस गांव में इतने जॉब कार्ड है, बहुत सारे जॉब कार्ड हैं। अगर आप एक एक को ढूंढते रहें तो बहुत ज़्यादा समय आपका लग सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, यहां देख लीजिएगा मैं पूरा डिटेल्स आपको दिखा देता हूं। स्क्रॉल कर देख लीजिएगा फ्रेंड्स यहाँ टोटल यानी 10, चलिए मैं जूम कर दे रहा हूँ इसको ताकि आप देख सकें। यहाँ देखिएगा फ्रेंड्स टोटल अब तक 1054 न्यू जॉब कार्ड बनाए जा चुके हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब आपको हम बताते हैं कि इसमें आप अपना नाम सर्च कैसे कर सकते हैं। जब आप आवेदन दिए होंगे उस समय आपका जो आधार कार्ड पे नाम होगा सेम टू सेम वही नाम आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। कैसे करना है फ्रेंड्स, सिंपल यहाँ पर आपको देखिएगा फ्रेंड्स यहाँ 3 डॉट्स दिखाई देंगे। सिंपल आपको क्या करना है, 3 डॉट्स पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको नीचे स्क्रॉल करना है और स्क्रॉल करके देखिएगा फ्रेंड्स यहाँ पर आपको दिखाई देगा फाइंड इन पेज।
ठीक है फ्रेंड्स। तो सिंपल आपको क्या करना है, फाइंड इन पेज पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ क्या करना है फ्रेंड्स, जिसका भी नाम आपको सर्च करना है, देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे आपको जिनका भी नाम आपको सर्च करना है सिंपल उनका नाम यहाँ पे आप डाल सकते हैं। जैसे मैं आपको दिखा दे रहा हूँ फ्रेंड्स एक नाम सर्च करके, चलिए मैं यहाँ पे डाल देता हूँ एक कोई भी नाम हम यहाँ पे फिल जैसे ही करेंगे उसके बाद सर्च पे क्लिक करेंगे तो जो नाम हम सर्च करेंगे अगर उस लिस्ट में नाम होगा तो ऑटोमेटिक देखिएगा फ्रेंड्स ब्लू और ग्रीन, सॉरी फ्रेंड्स जो ये पीला कलर और ये थोड़ा लाल कलर का होगा यानी ऑरेंज कलर आपको दिखाई दे देगा। सिंपल आपका इसका मतलब ये हुआ कि आपका जॉब कार्ड बन चुका है। सिंपल आप क्या कीजिएगा फ्रेंड्स, इसी के सामने आप आइएगा और नेक्स्ट कॉलम में आपको दिखाई देगा, देखिए फ्रेंड्स मैं जूम कर दे रहा हूँ, आप सेम इसी कॉलम में आइएगा फ्रेंड्स और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो पूरा डिटेल्स देखने के बाद यहाँ पे जो है आपका जॉब कार्ड का नंबर आपको दिया होगा। ठीक है फ्रेंड्स, आपको सिर्फ क्या करना है इसको नोट कर लेना है, चाहे वो आप कॉपी कर लें। चलिए मैं यहाँ पे सिंपल स्क्रॉल अपना हाथ रखता हूँ और इसको मैं पूरे को कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं पूरा यहाँ पे कॉपी करने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं फिर यहाँ से इसको पूरा कॉपी कर लेता हूँ और कॉपी करने के बाद सिंपल आपको क्या करना है फ्रेंड्स, अब देखिएगा कॉपी यहाँ आ गया, सिंपल हम कॉपी पर क्लिक कर दिए। आपको याद रखना है फ्रेंड्स यहाँ पे जो लास्ट डिजिट है 4 यानी 1885 यही आपका सीरियल नंबर है और यही आपका जॉब कार्ड नंबर है। चलिए अब हम आपको जॉब कार्ड नंबर डाउनलोड करके दिखाते हैं कि आप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। फिर आपको क्या करना है फ्रेंड्स, आना है बैक जहाँ पे आप गए थे। चलिए मैं एक बार फिर बैक हो जाता हूँ और बैक होने के बाद हम आ जाते हैं फिर इसके होम पेज पे। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स दिया होगा प्रिंट इशू जॉब कार्ड। ठीक है फ्रेंड्स, आपको सीधे क्या करना है, दो नंबर ऑप्शन प्रिंट इशू जॉब कार्ड पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का आपको इंटरफेस दिखाई देगा। सिंपल आपको यहाँ पे आपको क्या करना है, नंबर ऑफ पेज आपको सेलेक्ट करना है, कितने पेज पर आप प्रिंट करना चाहते हैं, मैं यहाँ एक सेलेक्ट कर दे रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स पंचायत, पूरे पंचायत का, पूरे गांव का या किसी एक का, तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ फ्रेंड, यहाँ पे मैं इंडिविजुअल तो नहीं करूँगा, चलिए इंडिविजुअल ही रहने देते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे सिलेक्ट आपके किस गांव का करना चाहते हैं, यहाँ पे मैं खमिया, ठीक है फ्रेंड्स अपने गाँव का आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद नीचे आपको देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे सिलेक्ट ऑप्शन मांगेगा, अब आपको चलना है सिर्फ 1885 जो हम लाए थे फ्रेंड्स वहीं आपका सीरियल नंबर पर, और वहीं देखिए फ्रेंड्स यहाँ 1885 पे आपका लिस्ट में नाम है। सिंपल आपको यहाँ पे चेक मार्क कर देना है और चेक मार्क करने के बाद आपके सामने एक नीचे यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स जो अभी हम दिखा रहे हैं आपके सामने फ्रेंड्स यहाँ पे आपको क्या एक पेज दिखाई देगा, आप किस तरह का पेज पर आपको प्रिंट करना चाहते हैं तो तीनों में से किसी एक का चयन कर लीजिएगा। मैं यहाँ पे कोई एक चयन कर ले रहा हूँ। चयन करने के बाद आपको सिर्फ क्या करना है फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको क्या करना है फ्रेंड्स, यहाँ पे जॉब कार्ड या जॉब स्लिप पे सिंपल आपको क्लिक कर लेना है। देखिएगा फ्रेंड्स मैं जो वीडियो बना रहा हूँ समय है 23 मई 2020 1:31 यानी 1:31। सिंपल आपको क्या करना है फ्रेंड्स, जॉब कार्ड स्लिप पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपका जो सामने है फ्रेंड्स इस तरह का इंटरफेस आपके सामने ओपन होगा जो आपका जॉब कार्ड होगा। यहाँ पे देख लीजिए फ्रेंड्स ये रहा आपका जॉब कार्ड का नंबर और ये रहा आपका जो सीरियल नंबर कितना नंबर पे आपका जॉब कार्ड है, आपका नेम, टोटल डिटेल्स आपको यहाँ पे देखने को मिल सकता है। यहाँ पे आप देख लीजिएगा फ्रेंड्स जितने भी आपको आदमी उसमें ऐड होंगे यानी फैमिली के उतना आदमी का यहाँ पे शो करने लगेगा। तो दोस्तों ये रहा आज का वीडियो, अगर तो हे गाइस वीडियो कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ बेल आइकन दबा दे ताकि कोई भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन या न्यूज आपसे मिस ना हो। चलिए दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, थैंक्स फॉर वॉचिंग।